हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अश्रमिक विद्यालय। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड टॉपिक ऑब्जेक्ट ड्राइंग, सो वी विल टुडे कंटिन्यू विद दैट ओनली। सो ओपन योर पेज नंबर 29, ऑब्जेक्ट ड्राइंग। स्टडी द ऑब्जेक्ट ड्राइंग ऑफ द आर्टिकल्स लाइक बकेट एंड टबलर shown on the left side. Study the shade and light shown with light dark colors in the object drawing. Complete the sketch of this object drawing on the right side. Show the shade and light with light and dark colors in it. Use pencil colors or pastel colors for painting. So children, हमें यहाँ पे आप left side देखो तो बकेट एंड टम्बलर का ड्राइंग दिया है विथ कलरिंग, और कलरिंग में आप देखो तो यहाँ पे लाइट एंड डार्क शेड्स दिए हैं, ठीक है। सो जहाँ पे लाइट का सोर्स है, फोर्स आ रहा है, और जो पोर्शन लाइट है वहाँ पे आपको हल्का सा कलर करना है, और बाकी आप देखो तो दोनों साइड यहाँ पे डार्क कलर्स किए हैं, ठीक है। तो सेम टम्बलर में भी ऐसे है। अब राइट साइड आपको ड्राइंग दिया है ऑलरेडी, तो आपको ड्राइंग इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करना है फर्स्ट, देन आफ्टर आपको उसमें कलरिंग करनी है विथ लाइट एंड डार्क शेड। सो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगी, यू हैव टू सी केयरफुली। सो फर्स्ट ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। सो आपको पेंसिल के साथ ड्राइंग को कंप्लीट करना है। You can use a scale also here. आप चाहो तो स्केल का यूज कर सकते हो। So, like this. But this is for your practice. So it's better to complete with your own. So अगर स्केल का यूज़ ना करो तो बेटर है, जस्ट आपको स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करनी है, राइट। ऐसे आप ड्राइंग कंप्लीट करोगे। यहाँ पे एक और लाइन ऐड करेंगे हम। अब टम्बलर, अब हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। सो कलरिंग में आपको जो भी कलर लेना है यू कैन टेक दैट वन। अब यहाँ पे ऐसे दोनों साइड आप देखो तो डार्क टोन है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको पेंसिल को लाइट यूज करना है। यहाँ पे वेरी लाइट अगर ना भी करो तो भी चले, तो यहाँ पे लाइट शेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेडिंग नहीं करनी है, देन आफ्टर दूसरी साइड। सो यहाँ पे डार्क और फिर ऐसे को लाइट शेडिंग। नाउ हैंडल, तो हैंडल में भी आप देखो तो वन साइड थोड़ा सा लाइट है। सो यहाँ पे डाउन साइड आपको डार्क शेड देना है। और अपर साइड थोड़ा सा लाइट।
नाउ यहाँ पे आपको पेंसिल को स्टैंडिंग पोजीशन में आपको शेड देना है। सो डार्क और धीरे धीरे आपको पेंसिल को लाइट रखनी है और ऐसे लाइट शेड देना है। अब बीच में थोड़ा सा एरिया आप लीव करोगे, देन आफ्टर अगेन लाइट शेड और धीरे धीरे आप राइट साइड डार्क करोगे। अब ऐसे टम्बलर सो डार्क एंड देन लाइट, देन आफ्टर थोड़ी स्पेस छोड़ के लाइट और धीरे धीरे राइट साइड डार्क। सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस ड्राइंग विद लाइट एंड डार्क शेड। नाउ चिल्ड्रन इन योर रिविजन वर्क make the simple shapes of water pot, metallic pot, glass in your art book and show shade and light. So ऐसे ही आपको water pot, metallic pot and glass का drawing करना है आपकी sketchbook में, and then after you have to fill colors with shading. तो light and shade का ऐसे आपको use करके that picture you have to complete. तो ऐसे आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू।